नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और मैं हूं आपके साथ प्राची। सिगरौली जिले में सिस्टम को शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहां मृतक नवजात बच्चे के शव को ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक नसीब नहीं हुई, जिसके बाद मजबूर होकर पिता मोटरसाइकिल की डिक्की में शव लेकर मदद के लिए कलेक्टर के पास पहुंच गया। कलेक्टर ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। सिगरौली जिले के जिला अस्पताल ट्रामा सेंटर में किस तरह की बदहाल व्यवस्था है, इसकी एक तस्वीर यहां देखने को मिली। 17 अक्टूबर को दिनेश भारती अपनी पत्नी मीना भारती को लेकर सिगरौली के जिला अस्पताल पहुंचा था पत्नी की डिलीवरी कराने के लिए, लेकिन पहले यहां पदस्थ स्टाफ ने अस्पताल की डॉक्टर सरिता शाह ने प्रसव कराने की बजाय महिला को शासकीय चिकित्सक से निजी क्लिनिक भेज दिया और 5,000 रुपए भी लिए गए। लेकिन जब उन्हें यह पता चला कि बच्चे की कोख में ही मौत हो चुकी है, तो उसे वापस जिला अस्पताल भेज दिया गया। वहां उसकी डिलीवरी करवाई गई। मृत बच्चे का जब जन्म हुआ तो परिजनों ने एम्बुलेंस की मांग की, जिससे वह अपने बच्चे को गाँव ले जाकर उसका अंतिम संस्कार कर सके, लेकिन पीड़ित परिवार जनों को इस बेलगाम सिस्टम ने एम्बुलेंस तक नहीं दी, जिसके बाद पिता दिनेश भारती मृत बच्चे को अपनी मोटरसाइकिल की डिक्की में डालकर कलेक्ट्रेट पहुंच गए और कलेक्टर को अपनी फरियाद सुनाई, जिसके बाद कलेक्टर ने जांच के लिए एसडीएम को तुरंत आदेश दिए। हम आपको बता दें, सिगरौली जिले में इस तरह की घटनाएं आम हो चली हैं, इसके बावजूद भी स्वास्थ्य महकमा सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। अब देखना यह है कि इस शर्मसार तस्वीर के सामने आने के बाद व्यवस्थाओं में कितना सुधार होता है। उसके पेट में दर्द रहता है, तो डॉक्टर के पास गए दिखाने, तो डॉक्टर बोला कि इसका अल्ट्रासाउंड कराएंगे। अल्ट्रासाउंड करवाने गए तो फिर अल्ट्रासाउंड ले आके अल्ट्रासाउंड वाला खुद बोला कि बच्चा पेट में स्पार कर चुका है। तो हम डॉक्टर के पास आए तो डॉक्टर बोले कि आप इसको ट्रामा सेंटर ले जाइए, तो वहाँ पे आपका मुफ्त में इलाज हो जाएगा। तो हम ट्रामा सेंटर में आए संडे को, जो है कि वहाँ पे दिखाया डॉक्टर को, तो डॉक्टर बोले कि आपका कल 3 बजे जो है कि आपका दवा इलाज होगा। तो हम शाम को घर चले गए, तो समय से 3 बजे आ गए, तो फिर नर्स लोगों को बोले कि हम लोग का आज दवा होना था, तो बोल रहे हैं कि ठीक है पर्ची दिखाइए। तो हम बोले कि कल ही पर्ची जमा था, तो बोले हैं कि दूसरा पर्ची बनवा के लिए, दूसरी पर्ची बनवा के लिए। इसके बाद बोले कि आप इस पर्ची पे किसी डॉक्टर का लिखवा के जाएंगे, इसके बाद हम लोग दवा करके नहीं करेंगे। तो पता चला कि तो सरिता मैडम वहाँ अपने रूम पर रहते हैं, वहाँ पे रोकते हैं, तो हम वहाँ गए उनके यहाँ, तो उनसे दिखाने से कल वाला आज मेरे लोग कल से है ना, तो कल गए वहाँ ट्रामा सेंटर, मतलब वहाँ से बोले कि आप वहाँ जाइए उनके रूम पे, सरिता मैडम के रूम पे जाइए, वो फिलहाल अभी नहीं बैठी हैं। उनके रूम पे गए तो वहाँ पे पर्ची कटवाना पड़ा 200 रुपये का। उसके बाद डॉक्टर को दिखाए तो सरिता मैडम देखी, तो उनका जो आदमी है वो बोला कि ठीक है आप पैसा जमा कर दीजिए। बोले कितना? बोल रहे कि 5,000। बोले कहाँ का? बोल रहे कि नहीं पैसा लगता है, तो हमारे पास उसमें 3,000 रुपये। सर उनका जो आदमी था वो मांगा, वो नहीं मांगा, तो बोले कि पैसा 5,000 से। हम बोले कि 3,000 हमारे पास ले जाए, तो बोला कि नहीं 3,000 नहीं, पूरा पैसा 5,000 चाहिए। तो हम गए फिर 5,000 की व्यवस्था किए, तो 5,000 की व्यवस्था ले आकर दिए। तो मैडम बोली कि हम शाम को आएंगे फिर उनको देखेंगे आपके परिवार। तो शाम को आए भी नहीं, दूसरे डॉक्टर लोग जो है कि बच्चा पैदा किए, तो बाद में पता चला कि बच्चा इसमें। अभी बच्चा कहाँ है? बच्चा मेरे पास है, कहाँ? गाड़ी के डिग्गी में। क्यों वहाँ से कोई एम्बुलेंस वगैरह कोई सुविधा मिल जाएगा बच्चे को जाने के? कोई ऐसा कोई व्यवस्था नहीं मिला। बच्चा एक्सपायर हो गया, क्या वजह था? क्या बीमार, मतलब पेट में ही कोई प्रॉब्लम? जी नहीं, डॉक्टर बता रहे थे पहले से कि शायद इनको चोट लग गया था, इस वजह से बच्चा पेट में पहले से मर चुका है। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार। कहाँ से आए हैं? हम बीजपुर से। ये आपने भी जो एक मामला संज्ञान में लाया है और ये जिला अस्पताल ट्रॉमा सेंटर से संबंधित है, उसमें जो भी इसमें जो घटना घटित होना बताया है उसके अनुरूप इसमें जो संबंधित पीड़ित पक्ष से इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे, उसमें हम यहाँ से जो हमारे अधिकारी हैं उनको प्रेषित करेंगे और उनकी वहाँ प्रकरण की जांच करेंगे। जांच में अगर तथ्य प्रमाणित पाए जाते हैं तो हम उसमें आगे कार्रवाई।